सभी मित्रों का नमस्कार। तो मित्रों, आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ, वेल्डिंग मशीन लेके आया हूँ, सिंगल पीस टू पीस का, उसके बारे में अपन पूरा पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है, बॉक्स के साथ में कौन सी एसेसरी आती है, तो उसके साथ में अपन पूरा पूरा आपको कंप्लीट में बताने वाला हूँ। तो इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक जो रॉड है जो अपन यूज करते हैं, उसके साथ में जो केबल आती है वो 2 मीटर आती हैं, जो अर्थिंग क्लैंप बोलते हैं उसके साथ में 1.5 मीटर बोलते हैं, 1.5 मीटर केबल आती है, और उसके साथ में एक एसेसरी के साथ में एक मैनुअल कवर आता है। ये तो हो गया इसका एसेसरी। अब इसके बारे में अपन फीचर के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो ये जो मशीन है एक लाइट वेट है, इन्वर्टर टाइप की मशीन है, आप इन्वर्टर भी इसको बोल सकते, मिनी इन्वर्टर। तो इसमें क्या खासियत है, काफ़ी सारे हमारे जो भाई लोग जो रहते हैं, जो वर्कशॉप वाले रहते हैं, अभी क्या हुआ है, काफ़ी सारे लोग कॉम्बिनेशन बिजनेस करते हैं, वो काम नहीं मिला तो वो कर लेते हैं, वो काम नहीं मिला तो वो कर लेते हैं। तो उस मीडियम से क्या रहता है, जैसे कि घर की लाइट रहती है, कभी कभी क्या सिंगल फेज की लाइट चली जाती है, लाइट रहती नहीं, 3 पीस की लाइन रहती है, उस आवर्स पे क्या करने वाला। अभी जैसे कि सिंगल पेज का लाइट चला गया है, 4 घंटे तक 4 सिंगल पेज लाइट आने वाला नहीं, उस बावजूद पे आप 4 घंटे तो आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा। उसी हम लोग वही ध्यान रख के एक नया कंपनी का प्रोडक्ट आया है, वो जो 3 पेज से आप 2 लाइन अगर लेंगे तो उसको बोलते हैं 2 पेज। सिंगल पेज किसको बोलते हैं, एक अर्थिंग और एक फेस, उसको अर्थिंग बोलते हैं। तो जो 3 पेज की जो लाइन है उसके अंदर से आप अगर 2 वायर इसको लगाएंगे तो भी आप इसको मशीन को चला आराम से इजी चला पाओगे। उसके लिए क्या है, बटन दे के रखा है, इधर लिखा हुआ देखो VRD। VRD का मतलब क्या है, जब भी आपको 2 पेज चालू करना है तो VRD आपको ओपन या ऑन ऑफ बटन जो रहता है इसको ऑन करना है। जैसे कि ऑन करेंगे तो 2 पेज पे अपना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अगर समझ लो घर की लाइन है तो आपको ये VRD आपको ऑन बंद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मित्रों। और ये जो मशीन है इतना एकदम बेस्ट, इसका सो सिस्टम देकर रखा है, समझ लो मशीन आप इसका जो कंपनी का जो सिस्टम देकर बहुत ही अच्छा देकर रखा है। जैसे कि मशीन आप समझ लो आप काम कर रहे हैं, ज्यादा एकदम हीटिंग हो गया तो टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका मशीन गर्म हो गया। यहाँ पे ऑप्शन देकर रखा है ना, ये गर्म का देकर रखा है, इधर गर्म है इसका है। सेकेंड ऑप्शन अगर आपको समझ लो 2 पेज पे चालू करना है, मालूम नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे 280 वोल्टेज दिखाएगा, ये RD अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपने सिंगल फेस में डाला है कि भैया मेरे को एक फेस और सिंगल आर्थिंग है, तो यहाँ पे 220 वोल्टेज दिखाएगा। और बाकी मीटर जो है अपना पूरा पूरा डिजिटल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दूसरा जो है अपना नोब है, ये अपना कम ज़्यादा करने के लिए आपको जितना वोल्टेज, जैसे कि कड्डी के ऊपर रहता है, समझ लो 2.5 का कड्डी है तो उसको मैक्सिमम आप 100 पे चला सकते हैं, आराम से इजी चल जाएगा। समझ लो सपोज आपका 3.15 का कड्डी है तो उसको आपको मैक्सिमम 130 से लेके 150 के बीच में आपको रखना पड़ेगा। समझ लो 4 mm की कड्डी है तो मैक्सिमम आपको 250 तक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कड्डी वो बड़ा हो गया, उसका जाड़े में भी दिखने जो रहता है वो भी जाड़ा हो जाता है। तो यूज करने के ऊपर समझ लो, अगर किसी को mm में समझ नहीं आता है, गेज में समझ में आता है, तो 2.5 जो है उसको 12 गेज बोलते हैं, 3.15 है उसको 10 गेज बोलते हैं, 4 mm गेज है उसको 8 गेज बोलते हैं। तो अगर किसी को mm में समझ में नहीं आया तो मैं आपको गेज में भी बता दिया, ठीक है, उसी हिसाब से यूज करना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एकदम लाइट वेट प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, और एकदम मीडियम है और अच्छी क्वालिटी का है। एक कंपनी का जो नाम है वो ईश्वर ब्रांड है, ठीक है, और इसका जो मॉडल है निको ERC C1 मॉडल नंबर है, बहुत ही अच्छा है। केबल वगैरह इसका बहुत ही एकदम हैवी देख के रखा है, इसके साथ में अडेप्टर नहीं आता है, पिन वगैरह नहीं आता है। बैक साइड में ऑन ऑफ बटन देके रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑन ऑफ बटन। दूसरी बात, आप जब भी आप इसको करंट लगाए तो यहाँ पीछे बैकग्राउंड में देख के रखा है इम्पैक्ट, आपका यहाँ पे भी कंपनी ने देख के रखा है AC करंट कौन सा लगने वाला है, 220 से लेके 380 तक, 380 आपका 2 पेज का हो गया, 220 है वो सिंगल पेज का हो गया। तो अब अपन इसको प्रोडक्ट को आपको एक बार चालू करके भी दिखाएंगे, ताकि आपको एकदम इजी ही इसको मालूम पड़ जाए कि भाई ये काम कैसा करता है क्या नहीं करता। अभी मेरे पास जो लाइट है वो मेरे पास ओनली सिंगल पेज है, तो अपन सिंगल पेज एक नॉर्मल हल्का सा अपन ट्रायल करेंगे, कुछ भी अपने पास कुछ प्रोडक्ट पड़ा रहेगा तो इसी हिसाब से अपन चालू करके आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट इसको साइड में ले लेता हूँ, इस मैट को अपन निकाल देते हैं, मैट को मैंने निकाल दिया है।
अभी ये इसका होल्डर है, दोनों को इसको भी अलग कर लेते हैं अपन। काफी सारे मेरे कस्टमर बोलते हैं सर आप मशीन दिखा रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमको ट्रायल करके भी दिखाओ। ये आपका होल्डर का है, होल्डर का आपको प्लस में लगाना है। सबसे बढ़िया इंपोर्टेंट आपको ध्यान जो रखना है, अर्थिंग जो रहता है उसको माइनस में लगाना है। ये माइनस में लगा दिया। अब आपने क्या लिया है, एक मैंने प्रोडक्ट लिया है अपने यहाँ पे लोग भैंस वगैरह बांधने के लिए यूज होता है उसको, एक मैंने क्लैंप लिया है, क्लैंप को अपन अर्थिंग लगा दिया, यहाँ पे खड़ा कर दिया। इसके नीचे स्ट्रेस नहीं पड़ना करके मैं दो प्लाउड के टुकड़ा ले रहा हूँ, तो दो प्लाउड के टुकड़े ले लिए हैं। ये उसको ऊपर रखेंगे तो क्या है हमारा काउंटर खराब होने वाला नहीं है। ठीक है मित्रों, अब इसको ओपन, एसी सप्लाई भी देना है, इसको ओपन करना पड़ेगा। अब इसको ओपन एसी का करंट भी दे रहे हैं। अभी मशीन चालू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी अपन को क्या करना है, एक मैंने गड्डी लिया है, वेल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रॉड लिया है, आप गड्डी भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो लेगविंग चलता है उसी हिसाब से हम लोग बातचीत करते हैं। अब मैं इसको ये भी आपको इसमें असेंबल करके निकलने वाला हूँ। ये अपन असेंबल कर दिया है। अब अपना क्या है, 10 नंबर का गड्डी है तो अपन को वोल्टेज पे भी ध्यान रखना है। अब अपना वोल्टेज 122 है, कम से कम 0 से स्टार्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 250 तक होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट जो लगा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ एक बार आप देख सकते हैं। अभी जो अपना करंट जो लग रहा है वो सिंगल पे से 220 वोल्टेज यहाँ दिख रहा है। जैसे ही मशीन गर्म हो जाएगा इस पॉइंट में दिखेगा और ये नोब है कम ज़्यादा करने का। अभी आप समझ लो अपन को 10 नंबर गड्डी, जैसे कि अपना एरिया के हिसाब से सेट करना है वोल्टेज कैसा आ रहा है। जैसे कि अपन काम करने पर जा रहे हैं तो वहाँ पर वोल्टेज क्या आ रहा है उस वोल्टेज के ध्यान देख के अपन को करना है। जैसे कि अभी मैं अभी इसको 150 तक रखने वाला हूँ या 150-160 तक रखा तो भी चलता है क्योंकि 10 नंबर का गड्डी। अपन इसको भी स्टार्टिंग करते हैं। एक देखो हल्का सा लगा रहा हूँ मैं, हल्के से देखो, एक थोड़ा सा लगाने से भी वेल्डिंग हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, हल्का सा। तो क्या है कम वो उसी हिसाब से हो रहा है। तो अब अपन को क्या करना है, वोल्टेज कम करना है, इसको मैक्सिमम 130 तक रखना है क्योंकि मेरे यहाँ वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, आप देख पा रहे हैं ऐसा वोल्टेज होता। देखो आप देख पा रहे हैं, एकदम कहने में मतलब थोड़ा सा हल्का सा देना है और कड्डी एक नंबर सुप्रिया जलती है, ऐसा इसका क्वालिटी है। क्वालिटी बिल्डिंग बहुत अच्छा है तो मैंने आपको ट्रायल करके भी दिखाया हूँ। ठीक है मित्रों, अभी पहले इसको बंद कर देते हैं, जो भी अपन बातचीत करेंगे बंद करने के बाद में अपन करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, अब मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ ताकि क्या है ये भी क्योंकि कड़ी गर्म हुआ है। तो मित्रों मैंने पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के भेजना, जरूर शेयर करना। आपको क्या, आपको और हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। अभी मैंने पूरा का पूरा आपको जो प्रोसेस था एक बार मैंने प्रोसेस भी दिखा दिया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा रहे तो दोस्तों लाइक और शेयर में कभी मत छोड़ना। थैंक यू सो मच।